नमस्कार। मन में कुछ करने का जज्बा हो, कुछ जोश हो, जुनून हो, तो कुछ भी किया जा सकता है। कमियों का रोना रोना बंद करिए। आज मैं आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताऊंगा, आपके होश उड़ जाएंगे। आप अपने आसपास कमियों की रोना रोते हो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है, मैं कैसे करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। आप आज ये मोटिवेशनल स्टोरी देखोगे ना, तो आप खुद सोचोगे कि कमियों का रोना रोना बंद करना होगा और हमें भी कुछ करना होगा। भारत के रहने वाले सुनील सिंह 10,000 रुपए लेकर अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में जाकर पिज्जा किंग बन जाते हैं। उनकी स्टोरी देखिए आप, शून्य से उनकी स्टोरी शुरू होती है और शिखर पर पहुंचती है। सुनील सिंह भारत के रहने वाले हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं भारत में और वो अपने फ्रेंड के थ्रू अमेरिका जाते हैं 10,000 रुपए लेकर जॉब की तलाश में। सुनील सिंह अमेरिका जाते हैं 10,000 रुपए लेकर, उनको वहां जॉब नहीं मिलती है। इंजीनियर की डिग्री होते हुए जॉब नहीं मिलती है। पता है वो आपको, वो वहां क्या कार्य करते हैं? वो एक रेस्टोरेंट में कुक का कार्य करते हैं। आप देखिए उनको कैसा फील हुआ होगा, एक इंजीनियर की डिग्री और रेस्टोरेंट में कुक का कार्य कर रहे हैं। काम करने में कभी शर्म मत करना, देखना उनको, अगर वो भी सोते यार मैं इंजीनियर हूं, मैं कुक का काम करूं, तो वो क्या पिज्जा किंग बन पाते, क्या वो इतना टॉप पर पहुंच पाते? उन्होंने काम में शर्म नहीं की, उन्होंने रेस्टोरेंट में कुक का काम किया। साल भर तक कुक का काम किया, फिर धीरे धीरे और अपने इंजीनियरिंग की फील्ड में वो नौकरी तलाशते रहे। फिर वो धीरे से कहीं से उनको एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी मिलती है, साल भर वहां जॉब करते हैं। लेकिन वो जॉब भी उनकी चली जाती है मंदी के कारण, उनको जॉब से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर वापिस शून्य पे आ जाते, वापिस जीरो पे आ जाते, लेकिन हार नहीं मानते। फिर वापिस उनके दिमाग में आइडिया आता है कि यार पिज्जा का व्यवसाय किया जाए, पिज्जा का बिजनेस किया जाए। क्यों? क्योंकि वो पहले कुक थे, उनको अच्छा आइडिया था, नॉलेज था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे पिज्जे का बिजनेस करने का। देखिए आप, तो वो क्या करते हैं, पिज्जा डिलीवर करने का काम करते हैं। गली गली मोहल्लों में पिज्जा बेचते थे, पिज्जा डिलीवर करते थे दूसरी कंपनियों का। एक इंजीनियर की पढ़ाई हुई, ग्रेजुएट, अच्छी एजुकेशन लेते हुए फिर भी उन्होंने गली गली पिज्जा डिलीवर किया, कोई शर्म नहीं की। 3 साल तक उन्होंने यह काम किया, देखना आप, घर घर जाके डोर बेल बजाते और पिज्जा डिलीवर करते। कितना उनको गिल्टी फील हुई होगी कि मैं इंजीनियर हो या काम कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने किसी काम को छोटा और बड़ा नहीं समझा, काम तो काम समझा। 3 साल तक पिज्जा डिलीवर का काम किया, उसके बाद उन्होंने पोप जॉन नाम की एक फ्रेंचाइजी ली और उनको अनुभव था पिज्जा में, वो खुद कुक थे और खुद पिज्जा डिलीवर करते, उनको अनुभव था। और धीरे 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 वो इतना फेमस होते कि आज उनके पास में 38 पोप जॉन की फ्रेंचाइजी हैं और 8 उनके खुद के रेस्टोरेंट हैं अमेरिका में। इंडियन लोग उनको पिज्जा किंग कहते हैं। जब भी इंडिया के कुछ प्रोग्राम होते हैं अमेरिका में, तो वहां पर वो पिज्जा फ्री में बांटते लोगों को, इंडियन लोगों को फ्री में पिज्जा बांटते। और आज उनकी कंपनी 100 करोड़ के तकरीबन काम कर रही है। देखिए, जो इंसान 10,000 रुपए लेकर इंडिया से जाता है और अमेरिका में दर दर की ठोकरें खाता है, अच्छी डिग्री होते हुए भी कुक का कार्य करता है, लेकिन शर्म नहीं करता, और उसी शर्म नहीं करने के बदौलत आज वो इंसान अमेरिका में इंडियन पिज्जा किंग कहला रहा है। वो कहते हैं बिजनेस के लिए, अगर आपको बिजनेस करना है तो प्लानिंग करके काम करें, पहले प्लान बनाए फिर काम करें। और सबसे बड़ी वो बात कहते हैं कि कभी भी कोई भी कार्य छोटा या बड़ा ना हो, नहीं होता है, छोटे कार्य से बड़े की शुरुआत होती है। आप डायरेक्ट बड़ा कार्य करने की नहीं सोचे, अपनी डिग्री को लेकर शर्म महसूस मत करें। वो कहते हैं आपके पास कितनी अच्छी डिग्री और जॉब नहीं मिल रही, तो आपको कोई छोटा कार्य करना पड़े तो भी करिए। काम करने में वो कहते हैं शर्म मत करना, काम करने में शर्म कही तो आप पीछे रह जाओगे।
कोई भी कार्य करे तो ईमानदारी से करे। सुनील सिंह कहते हैं कि कोई भी कार्य अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से करें, आप सक्सेस अवश्य होंगे। और वो कहते हैं जरूरत पड़े तभी लोन ले। आप बिना फालतू के लोन न लें अपने बिजनेस के लिए। बिजनेस को बढ़ाना है तो लोन लें, लेकिन जल्द से जल्दी उस लोन का रीपेमेंट कर दे, लोन को बढ़ने ना दे। तो ये सुनील सिंह की स्टोरी आप देख लेना, जीरो से शुरू होकर शिखर तक पहुंचती है। इतनी अच्छी डिग्री होने के बाद भी वो काम में सर्व नहीं करते, पिज्जा डिलीवर करते घर घर पर। बाकी अगर आज कोई एमबीए किया हुआ, कोई इंजीनियर किया हुआ, अगर उसको कहे कि पिज्जा डिलीवर करना, घर घर जाकर यह कार्य करना, तो कितनी गिल्टी फील होती कि मैंने इतनी डिग्री ली और आज ये काम करना पड़ रहा है। तो काम में शर्म मत करना, काम छोटा हो या बड़ा हो, काम काम होता है। और जो इंसान काम में शर्म नहीं करता ना, वो इंसान शिखर पर पहुंचता है। ये सुनील सिंह की मोटिवेशनल स्टोरी आपको यही सिखाती है।